अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें निशाना बनाकर गोली चलाई गई। हालांकि ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं। ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मार गिराया। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे हुई। तब अमेरिका में शनिवार शाम 6:30 बजे का समय था। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान मंच से बोलते समय ट्रंप पर निशाना साधकर कई गोलियां चलाई गई। इस दौरान ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और नीचे झुक गए। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ट्रंप को संभाला। ट्रंप के चेहरे और कान पर खून नजर आया। शूटर को सुरक्षाकर्मियों ने मार गिराया। सुरक्षाकर्मी ट्रंप को मंच से उतारकर वहां से ले गए। घटना के बाद अफरातफरी के बीच ट्रंप को कड़े सुरक्षा घेरे में जाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप के कान से खून बहता देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ट्रंप सुरक्षित हैं। इस घटना की चौतरफा निंदा की जा रही है। बाइडेन, कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने घटना की निंदा करते हुए साफ कहा कि अमेरिकी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है।